नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो से हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं सुषमा स्वराज जी को, जो इस देश की वीरांगना थी, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत काम किया। एक्सटर्नल मिनिस्टर होते हुए उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की। अब सब हम जानते हैं कि सुषमा स्वराज जी ने अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवा रखा था, तो अक्सर पेशेंट हमसे आकर पूछते हैं किडनी फेलियर के कि क्यों उनकी डेथ हुई, क्या रीज़न रहा। सुषमा स्वराज जी ने पिछले 2-3 साल पहले अपना किडनी का ट्रांसप्लांट करवाया था, तो उसी की कॉम्प्लिकेशन थी कार्डिक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, पहले उसको हम समझ लेते हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्या चीज़ होती है। जब हमारा हर्ट है, जो हमारा दिल है, उसे कॉन्टिन्यूस एक स्पार्क की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो बीट करता है, हार्ट बीट होती है। अगर किसी वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसमें आने बंद हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है कार्डियक अरेस्ट। अभी कार्डियक अरेस्ट एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर उन पेशेंट के अंदर जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है। क्यों बढ़ता है, इसको समझना हर ट्रांसप्लांट के पेशेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है और उन किडनी फेलियर पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वो अपने आप को इन तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। जब सुषमा स्वराज जी की किडनी फेल होनी शुरू हुई थी, तो किडनी की फंक्शनिंग डाउन होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। तो उन्होंने एम्स में अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट भी करवाया और जो 2016 में बहुत सक्सेसफुल रहा भी सही। मगर जब किसी को किडनी ट्रांसप्लांट होती है, तो किडनी किसी बाहर से आती है, किसी और बॉडी से आती है, किसी और इंसान से ली जाती है, क्योंकि वो आपकी बॉडी का मटेरियल नहीं होता, ऑर्गन नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी, यानी उसको फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करेगी और उस पर अटैक करना शुरू कर देगी। और इस अटैकिंग मैकेनिज्म को स्लो डाउन करने के लिए, बंद करने के लिए, पेशेंट को कॉन्टिन्यूस स्टीरॉयड्स लेने पड़ते हैं, जिससे बॉडी के अंदर वो किडनी रिजेक्ट ना हो, उसकी जो लाइफ है वो प्रॉपर बनी रहे। इसी वजह से अगर आपने कभी उनका फेस देखा हो, तो कुछ ही टाइम के अंदर वो फेस कोल होना शुरू हो गया, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर स्टीरॉयड्स जा रहे थे उस किडनी को मेंटेन करने के लिए, कि वो किडनी को बॉडी एक्सेप्ट करती रहे, रिजेक्ट ना करे। अब जब किसी भी बॉडी के अंदर इतनी हाई अमाउंट में स्टेरॉयड जा रहे होते हैं, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि ना सिर्फ स्टेरॉयड किडनी को बचा रहा है, बल्कि बॉडी के बाकी फंक्शंस को भी स्लो डाउन कर देता है। क्योंकि बॉडी का एक ही नेचुरल प्रोसेस होता है कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी है, तो उसको आपने बॉडी के अंदर ख़त्म कर देना है। ये इसका नेचुरल प्रोसेस है जो हर बॉडी में होना चाहिए, बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। अब हमने इस डिफेंस सिस्टम को जब बंद करने के लिए बॉडी के अंदर स्टेरॉयड डाले, तो ना सिर्फ स्टेरॉयड ने उस डिफेंस सिस्टम को स्लो डाउन किया, बंद किया, बल्कि साथ साथ ऐसे और वाइटल कामों को भी कम करना शुरू कर दिया जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, और उसमें से एक है हार्ट बीट। हार्ट बीट के लिए हमें कंटिन्यूस स्पार्क की ज़रूरत होती है, एक ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ज़रूरत होती है जो मसल्स में जाएगी और मसल उसको रिएक्ट करते हुए आपके हार्ट को पंप करता है। अब इन्हीं स्टेरॉयड की वजह से जब उनके जो कार्डिक जो सिग्नल्स थे, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे, इम्पल्स थी, वो बंद होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से सुषमा स्वराज जी को कार्डिक अरेस्ट आया। तो हम कह सकते हैं कि सुषमा स्वराज जी को जो कार्डिक अरेस्ट आया था, वो कॉम्प्लिकेशन थी उस स्टेरॉयड की जो उनको दिया गया था उस किडनी को बॉडी में ठीक से फंक्शन बनाए रखने के लिए। अब किसी भी किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर एक छोटा सा सवाल आना एक लाजमी है कि कैसे इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था, कैसे इसको बचाया जा सकता था। जब हमारी किडनी फेलियर होनी शुरू होती है, तो हमें कई टाइप के सिग्नल देना शुरू करती है, चाहे वो फ्रोथी यूरिन हो, चाहे बॉडी में वीकनेस हो। एक बार आपकी जो किडनी फेलियर की दिक्कत आपको आइडेंटिफाई हो जाए, तो हमें उस दिक्कत पर काम करना होता है और कॉन्टिन्यूसली काम करते रहना पड़ता है ज़िंदगी भर। अगर आपकी किडनी फेल हो रही है, तो उसके हो सकता है कि उसके पीछे जो बड़े रीज़न हो वो ब्लड प्रेशर या शुगर हो। अगर कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी किडनी फेल होने के पीछे जो कारण है उन पे काम नहीं करता, तो किडनी कंटिन्यूअसली फेल होती रहती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। तो जब आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि आपकी किडनी फेल हो रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी किडनी का कुछ स्पेशल ध्यान रखें। उस स्पेशल ध्यान को रखने के लिए आपको किडनी फेलियर की दिक्कत को समझना पड़ेगा कि किडनी फेल किस वजह से हो रही है। तो सबसे पहला काम क्या है कि ब्लड प्रेशर और शुगर, जो सबसे बड़े कारण है 80% केसेस के अंदर किडनी फेलियर के, उनको कंट्रोल में लेकर आना। अगर एक बार आप इन चीज़ों को कंट्रोल में कर लेते हो, तो किडनी का जो फर्दर डैमेज हो रहा है, जो कंटिन्यूस डैमेज हो रहा है, वो रुक जाता है। एक बार वो डैमेज होना रुक जाता है, तो किडनी के पास एक ऐसा माहौल बन पाता है जहां पर वो अपने फंक्शनिंग को बढ़ा सकती है। क्योंकि किडनी आपकी सिंगल होने के बावजूद भी अपने फंक्शन को डबल कर लेती है, ये किडनी की खूबी है। हमें इस किडनी की खूबी को इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में सिंगल किडनी है, आपने किडनी किसी और को दी, आपकी बॉडी में सिंगल किडनी होने के बावजूद भी आपकी किडनी लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ते, क्योंकि किडनी अपने फंक्शन को अप कर लेती है। यही किडनी की खूबी हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट में इस्तेमाल करनी होती है, जिनके अंदर 60-70% तक किडनी डैमेज हो चुकी होती है। हमने क्या करना होता है कि जो भी पार्ट फंक्शन कर रहा है
फिल्टर कर रहा है उसको प्रिजर्व करना कि उसको और फर्दर डैमेज ना हो। एक बार ये चीज़ अचीव हो जाती है बीपी कंट्रोल करके, शुगर कंट्रोल करके, अब हमने बस किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ानी होती है। मान लो कि 70% आपकी किडनी फेल हो चुकी है, 30% वो फंक्शन कर रही है, इस 30% फंक्शनिंग किडनी को कैसे हम 60% का काम ले सकते हैं ये हमें करना होता है। और इसके लिए पेशेंट को बहुत सारा डिटेल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है किडनी फेलियर के बारे में, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो आपकी मेडिसिन हो, जितनी डिटेलिंग से आपको किडनी फेलियर की दिक्कत पता होगी उतने अच्छे तरीके से आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे।